तो देश में लोकसभा चुनाव की जहां जहां धीरे धीरे तैयारियां राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी हैं, वहीं नोएडा में 2022 में त्यागी महासभा द्वारा जिस प्रकार से एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, उसके बाद फिर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के देवन में एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है। 2 फरवरी को ये महापंचायत आयोजित होगी। आकलन जो लगाया जा रहा है 20 से 25 हजार आदमी इस कार्यक्रम में पहुंच रहा है। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, हमारे साथ जो त्यागी समाज के नेता हैं मांगेराम त्यागी जी, हम उनसे बात करते हैं क्या कार्यक्रम है और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या। पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। आपका भी और आपके श्रोताओं का भी, आपने हमेशा हमेशा हमारे समाज की बात जो उठाने का काम किया है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, ये कल 2 फरवरी में जो महापंचायत होने जा रही है, ये सभी का मंच है। हमारा समाज राष्ट्रवादी समाज है और हमारा समाज वो समाज है जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, कोई त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का कोई गांव ऐसा नहीं था जहां 10 से या 20-30 आदमी फ्रीडम फाइटर नहीं थे। लोगों ने बहुत ही पीड़ाएं झेल ली, अपनी जमीनें, अपना सब कुछ दांव पर रखने के बाद देश आजाद किया। और ये जो कल जो महापंचायत होने जा रही है, ये एक सामाजिक कुरूतियों पर लेकर और एक समाज को एक मंच पर लेने के लिए, ये जो कोई भी आदमी उठा था त्यागी इकट्ठा नहीं, त्यागी इकट्ठा नहीं, अब आगे आने वाले समय में कोई ऐसा नहीं करेगा। इसमें सभी का स्वागत है, सभी नेताओं का स्वागत है, ना इसमें किसी पार्टी का विरोध है, ना किसी पार्टी का समर्थन है। इसमें हमारे, मैं उन लोगों को धन्यवाद दे रहा, सहारनपुर जनपद के सभी जो संगठन के लोग हैं, जो आम पब्लिक है, हमारे स्वराज भाई जैसे जो संघ का भी कार्य बहुत अच्छे से देख रहे हैं, इन लोगों का अनुकरणीय इसमें जो योगदान है वो एक सराहनीय कदम है। समाज को जागृत करने का, समाज को इकट्ठा करने का, समाज को राजनीतिक रूप से ताकत देने के लिए ये महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। जैन जी, मेरा आपसे सवाल है, 2024 का चुनाव भी नजदीक है और इतने बड़े स्तर पर महापंचायत चुनाव से 1.5-2 महीना पहले चुनाव के अप्रैल में चुनाव होना निश्चित है, उसको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? क्या भाजपा को कोई यहाँ से मैसेज आप भेजने वाले हैं या किसी भी राजनीतिक दल को मैसेज आप भेजने वाले हैं, ताकत का, एकता का, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्योंकि आपने कहा कि यह पंचायत किसी के पक्ष में नहीं है, ना किसी के समर्थन में, तो कहीं ना कहीं इतनी भारी संख्या में यहाँ पर जो आदमी कार्यक्रम में पंचायत में शामिल होने के लिए आ रहा है, उसको आप मैसेज क्या देने वाले हैं ताकि वो गांव तक पहुंचे और उस मैसेज को अन्य लोगों से साझा करें? देखिए, अभी तो हमारे समाज का इन पार्टियों ने, सभी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, ये हाल कर क्या कि एक तरफ हुआ एक तरफ खत्ती। अभी मैं आपको बता रहा हूं, तृप्त्या त्यागी वाला केस हुआ, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले लड़की को हमारी बहन के खिलाफ कमेंट किया, जबकि मैं धन्यवाद दे रहा मुस्लिम समाज को कि 99.99% मुस्लिम समाज तृप्त्या त्यागी के साथ था। और वो साथ भी किस लिए था कि उसने वहां जो गरीब बच्चे हैं मुस्लिम समाज के, ज्यादातर 99% वही बच्चे हैं, वो असलियत पता था, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फिर अखिलेश यादव ने कमेंट किया और फिर भाजपा के जो मंत्री हैं कपिल देव जी, उन्होंने कमेंट किया। तो मारा तो कोई भी ऐसा नहीं है, मारे वाले को तो ये देख रहे कि भाई ये नहीं थे। अब इस महापंचायत में या वो जो 15 लाख की भीड़ हुई थी, मैं उन लोगों को सभी को धन्यवाद दे रहा, पूरे समाज को, बिना किसी खर्चे के, बिना उसके, एक जो समाज को जगाने का काम किया वो सभी लोग और युवा, खास तौर पर हमारे समाज की जो युवा है, जो हमारे समाज की रीढ़ है, मैं उनसे कल को आने के लिए अपील कर रहा है, निवेदन कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पहुंचे और अपने समाज की ताकत दिखाने का काम करें। और जिन पार्टियों के द्वारा हमको छलने का काम किया, जिन पार्टियों के द्वारा हमको इस स्थिति में ला दिया कि हम किसी दुर्गा को फोन नहीं कर सकते, जहां हमारी 40-40 हजार वोट है, डीएमआर कप्तान तो बहुत दूर की बात है, हमारी यही इस मंच के माध्यम से कल की मांग होगी, हमारे समाज को भी भाई लोकसभा चुनाव है, अरे इसे भी लोकसभा लड़वा जा, कम से कम 6 सीट चाहिए हमको। और हमारे समाज के जो लड़के हैं और वो किसी भी उसमें है, उनको इतना ताकतवर बना जा और इनको भी कहीं ना कहीं सम्मान देने का काम किया जा।
मेरा आपसे सवाल है, जिधर देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वह बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो त्यागी समाज की अगर बात करें तो त्यागी समाज को ऐसा क्यों लगता है कि हमारा विश्वास सरकार जीत नहीं पाई है? अगर जीता है तो ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी कि कहीं ना कहीं समाज को आखिरकार एक बड़ी महापंचायत करना पड़ गया, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे ये है जी, अब से 30 साल पहले लोकसभा या विधानसभा में आज चले जाते, अब करे वो संसद चल रही, संसद के गेट पर खड़ा हो जाओ, पूछ लोगो त्यागी जी भी आएगा इसमें घुसेगा क्या? जितने भी 500 लोकसभा सांसद है इनमें तो सबके गड़ों में जो खिता पड़ा है उसमें देख लियो कोई आया क्या? विधानसभा चलेगी उसके गेट पर खड़ा जो कोई त्यागी जी आओ क्या? इन्होंने तो बिल्कुल त्यागी विहीन कर दी लोकसभा भी और विधानसभा भी। हमारी ये मांग है भाई वहां भी त्यागी जी के गले में भी किसी के यो जो गिरोह में यो खिता था यो पड़ जाना चाहिए। क्या मांगेराम चुनाव, मांगेराम त्यागी इस कार्यक्रम के बहाने कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी में है या कहीं ना कहीं ताकत दिखाने की इच्छा है? नहीं, ये समाज का प्रोग्राम है। मांगेराम त्यागी कल भी कुछ नहीं था, ना आज है, ना मैं चुनाव लड़ूंगा। मांगेराम त्यागी तो कल भी नीचे धरती बैठेगा। मांगेराम त्यागी की तो एक ही मांग है भाई, जैसी देवबंद विधानसभा है जहाँ 40,000 वोट है भाई, इन पर जो हमारे समाज के लड़के से जो पीएम कप्तान से बात करो कोतवालों से क्यों करेंगे भाई? हम विजय सिंह से ठीक है, मंत्री है, मंत्री का पूरे प्रदेश में मामला है, और मेरे वालों को इतना मजबूत करो क्यों हो गए भाई? केवल डीएम को कप्तान को एसीसी सभी हैं, कोई देवल नहीं है, पूरी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं चले जो विजय सिंह से ठीक है, मंत्री का पूरे प्रदेश में मामला है, और मेरे वालों को इतना मजबूत करो क्यों हो गए भाई? केवल डीएम को कप्तान को एसीसी सभी हैं, कोई देवल नहीं है, पूरी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं चले जो हर जगह समाज का वो है, और ये समाज का जो किसी भी पार्टी हो द्वारा, ऐसा नहीं भाजपा भाई, चलो तो भाजपा पार्टी की वो है, देख लो इन्होंने ऑनलाइन कौन से टिकट दे रखे। अभी खतौली में जो चुनाव हुआ था वहां हमारे समाज के द्वारा मदन भैया विधायक को जिताया गया, एक भी जैन चौधरी के मुंह से या किसी समाजवादी पार्टी अखिलेश के यादव के मुंह से बिगड़ा हो भाई त्यागी समाज का हमें बहुत ही बड़ा हो रहा। तो ये भाई सब एक का एक बाबा, कोई किसी से कम नहीं है, ये सारे का सारे देख रहे। और भाजपा को केवल हम थोड़ा नाराज जो है, भाजपा वैसे नाराज है, वोट मेरी भाजपा बजा रही, और भाजपा ने विधानसभा लोकसभा त्यागी विहीन बनाई थी, वही मेरी मांग है, और सामाजिक मुद्दे होंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रमुख भी त्यागी समाज के भाजपा द्वारा बनाए गए हैं, चाहे वो शाहपुर हो, देवबंद हो, इसके अलावा मेरठ में माचरा हो, और MLC भी बनाए गए हैं, विधायक भी एक हैं, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा का यह कहना है कि जातीय संतुलन के आधार पर त्यागी समाज को सम्मान दिया गया है, आप इसको किस तर्क से देखते हैं? क्या जातीय संतुलन के आधार पर सम्मान दिया गया है, इससे आप कितने सहमत हैं? भाई देखिए बात आपकी बहुत बढ़िया, प्रमुख बना रखे बा, बहुत बड़ा धन्यवाद, ज्यादा धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी का। एक का प्रमुख के इनके घर जाओ, एक का प्रमुख के इतने रुपए लग रहे, 3 विधानसभा लड़ी जाओ, इन्हें विधायक लड़वा देते तो भाई प्रमुख तो ये पैसे जीतते हुए ठीक है, और वो त्यागी नहीं, वो ठाकुर हो, गुज्जर हो, जाट हो, कोई भी सारे जितने भी हैं प्रमुख सारे जो पैसे के बलबूते जीतते हुए। और रही उसकी बात भाई विधायक, जो विधायक वहां से ये मुरादनगर से जीत रहा है ना, ये वहां से निर्दलीय जीत कर जाए, इनका पिताजी भी निर्दलीय जीतता है और ये भी वहां निर्दलीय जीतने की स्थिति में है, और विधायक बताया दो, और इसे भी मंत्री नहीं बनाया। अब आप गा जाओ भाई, जब ये नुका रहे भाजपा वाले, अब हमने तो MLC बनाए रखा, वो बनाए रखा, फिर क्या जरूरत थी भाई? जब उपराष्ट्रपति जाके कैबिनेट मंत्री संजीव बाजार होगा और उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष होगा और उसमें, लेकिन भाई मैं लेना जाना हूं, हम उन्हें बहादुर है मार्शल कौम है, मैं उनका धन्यवाद कर रहा है और SC समाज का धन्यवाद कर रहा है, मैं अपना हक लेना जाना है, और इसी तरह पर अब हम भी खड़े होंगे जाके हम कम अपना हक दूसरे को खाने देने का मुंह मत कर लेंगे, अलग मार दे कर लेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 17% त्यागी मतदाता आता है, जो कहीं ना कहीं बड़ा उलट फेर करने की क्षमता रखता है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, कहीं ना कहीं 19 लोकसभाओं में, तो क्या ये जो महापंचायत है उन 19 लोकसभा को केंद्रित कर आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव सरकार के ऊपर बनाने का देवन से प्रयास किया जाएगा? क्या मैसेज कल देवन से दिया जाएगा सीधा सीधा? देखो हमारा मैसेज तो ठीक ठाक, हम तो राष्ट्रपति लोग हैं
और भाई ये इन्होंने अगर कसम खा रखी कोई सी भी पार्टी होगा और हम उल्टा होना ही होना तो भाई उल्टा हो लो, नहीं तो मेरी साहब बैठ कर समझौता कर लो भाई। जब राजभर जैसे पॉइंट मोन की हुए हम तो बैठ के अपने पिताजी से बात कर रहे और समाज तो कर रहे ये लुका रहे, अब हम मुस्लिम समाज जोड़ दे रहा है ये गुंडा को रखा मुस्लिम समाज, दलित भी उलगा रहे अगर अच्छी समाज जोड़ दे रहा है, मैं तो इन लोगों को धन्यवाद दे रहा है। फिर पुनः कह रहा है कि दलित समाज को धन्यवाद दे रहा है, उन्होंने अपनी नेता बहन मायावती को रखा है सारे के 99.99% उसी बजाएंगे, फिर भी जो है ना 100% वोट दे रहा है उन्होंने तो ये मजबूरी समझ रहे कि इनकी मजबूरी है इनको विकल्प नहीं, और जो इन्हें वोट नहीं दे रहे मुस्लिम समाज वोट दे रहा है ना इनकी बड़ा गुल्ला का जीव तम भी कह रहे पसमानदा समान पसमानदा। इसे मैं नुका रहा मान जो ढीप ना बोलो ढीप आ खोल लो अपनी, और नहीं तो भाई तुमने उलट पलट करने बात कही अगर इन्होंने देख लिया मक्का खाट को सुपने होंगे रात को पड़ गया जो लोकसभा लड़ेंगे सुपने होंगे फसल में 4 बजे के बाद सच्चा सुपना हो यही आने लगेंगे या तो सुधर जाओ, और हम तो राष्ट्रवादी है राष्ट्रवादी है रहेंगे लेकिन कुछ तम भी बन जाओ और सोच लो। धन्यवाद, ये थे हमारे साथ मांगेराम त्यागी जी। क्योंकि बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो 19 लोकसभा सीट है उनमें चाहे गाजियाबाद मुरादाबाद संभल मेरठ मुजफ्फरनगर नोएडा इनमें त्यागी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या मानी जाती है, और अगर इस कहीं ना कहीं इस महापंचायत में भीड़ इकट्ठा होती है तो एक मैसेज जो सरकार को साफ साफ देने का प्रयास किया जाएगा कि जातीय के आधार पर हक सरकार उनको दे। जी जी मुझे एक और बता दो, मैं पूछना चाह रहा है यहाँ के लोकसभा सांसद संजीव वालियान जी भी है, एक वो छोटा था क्या नाम उसको भाई मुझे सुना तो मंत्री कपिल देव, एक कपिल देव जी भी है और यहाँ से भी है, ये देख लो जहाँ एक मेरे एक का गांव जो है ना 18-10 हजार के गांव है ये गांव पलट देगा उल्टा उल्टा एक गांव भर देगा उथल पुथल फिरेंगे जिस तरह मिंड फिर ना फिरेंगे, या तो आज मुझे उनमें होगा जो हमारा हक है ना इसका जो होना वो कर दो, और ऊपर हम योगी से कोई परेशानी नहीं है बढ़िया दिल्ली बढ़िया सड़क का उसका कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हम सड़क पर लेट कर जो है सड़क को चाटेंगे, हमको अपना राजनीतिक वजूद भी चाहिए समझ गए। अब एक बात कह रहे कि बदमाशी घटा दी सड़क बनाई दी, अरे भाई बदमाशी घटा दी सड़क बनाई दी फोन करो कहाँ जाऊँ स्विट्जरलैंड से लाऊ नेता अफ्रीका से लाऊ पाकिस्तान से लाऊ क्या कि वहां देखता हूँ कोई अमरीका में आएगा कोई मजबूत सा उसको करवाऊंगा मोदी को फोन, हमें इस लायक कर दो और हम अधिकार अब लेने के नहीं अपना अधिकार लेने के नहीं अब हम छीनेंगे सारे अलग मत काट देंगे बताया जी बात। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हिस्सेदारी ये महापंचायत का मुख्य उद्देश्य जो बात सामने निकल कर आई है त्यागी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी राजनीतिक दल तय करे उसको लेकर यह महापंचायत कहीं ना कहीं देवबंद के अंदर की जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।